रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को लेकर एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है। जैसा कि आप सबको पता होगा, कुछ टाइम पहले जो है अर्णव गोस्वामी के खिलाफ में एक फेक टीआरपी स्कैम का एफआईआर दर्ज किया गया था, वो भी मुंबई पुलिस की तरफ से। और मुंबई पुलिस के जो उस टाइम कमिश्नर थे, अभी जो पूर्व परमवीर सिंह जो है पब्लिक के सामने आए थे, मीडिया से उन्होंने बात करते हुए सीधा सीधा अर्णव गोस्वामी का नाम लिया था कि अर्णव गोस्वामी जो है ये फेक टीआरपी स्कैम में इन्वॉल्वमेंट है उसका। उसके बाद जो बार के पूर्व सीईओ हैं पार्थो दास गुप्ता, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। काफ़ी टाइम तक वो जो है पुलिस की कस्टडी में रहे थे, बाद में जो है उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसमें टोटल 15 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और अब जो है फाइनली जो है मुंबई पुलिस की तरफ से मजिस्ट्रेट कोर्ट में 1800 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो सौंप दी गई है। आज जो है 1800 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है मजिस्ट्रेट कोर्ट में सौंपी गई है, वो भी मुंबई पुलिस के द्वारा। और इसमें जो है टोटल 6 लोगों को मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है। 6 लोगों का नाम जान के आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। पहले नंबर पे जिसका नाम है वो अर्णव गोस्वामी का नाम है। और दूसरा जो नाम है वो एआरजी आउटलेयर मीडिया का है, यानी कि जो रिपब्लिक भारत जो अभी है उसके जो ओनर है, जो रिपब्लिक भारत के जो मालिक हैं, उनको दूसरा आरोपी बनाया गया है। और इनके साथ साथ 4 और लोगों को इस केस में मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है, वो भी मुंबई पुलिस के द्वारा। आप सबको पता है कि अभी मुंबई पुलिस के ऊपर किस तरह के बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और किस तरह से मुंबई पुलिस किन किन केसों में फंसती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये केस जो है अभी जो अर्णव गोस्वामी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज गया था, अब उसका फाइनल चार्जशीट सौंपा गया है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है आने वाले टाइम पे, क्या फिर से अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से अभी चार्जशीट सौंपा गया है और उसमें मेन आरोपी के रूप में अर्णव गोस्वामी को दिखाया गया है, तो क्या आने वाले टाइम पे मुंबई पुलिस अर्णव गोस्वामी को फिर गिरफ्तार करने वाली है? अब जो भी होगा वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन इस चार्जशीट को देख के एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि अर्णव गोस्वामी की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपका क्या ओपिनियन है इस तरह के चार्जशीट सौंपने को लेकर मुंबई पुलिस का? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।